Zanskarinangas Koreans mixa les semstops dans Guntus et Korean la Yergas dans Chesla, la Darujung a déchourné Kelo India Lasguli Nangloga, Zanskar Winter and Sport Festival Tardigzad en Jikta Enok. Il s'agit de Gachin Medanika Guntus et Namle Nanga, Gaston Gomarang, Zanskarina Tardigzad en Jikta Enok. Member Parliament Jamal Siring Namgale, Nimeka, Zanskar Tang Singes Zanspe, Chumdesika, Chadar Tega, Chadar Parte, Lamchugazachisino. Chadar Parches et Zadguenanga, Ladaranskun Sospe, Depon Advocate Shigal Santang, Ujunga Destalians et Tongi Grabinder Kumar, Siveskundon et Sula, Tusazachisino. Kelo India Zanskar Winter and Sport Festival is Korla, Diringi Delchatinanga, Ladarujunga Destalians et Tongi Grabinder Kumar Tangyampo, Tiva Trilanjik Sanazat. रविंद्र सर हमारे प्रोग्राम में शामिल और हमारे लिसनर के साथ रूबरू करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. तो और सर बताइए कि जंस्कर में जो फर्स्ट टाइम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जंस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो इसमें कौन कौन से खेल आप लोगों ने शुरू किया? एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए. ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये पहली बार होने जा रहा है जंस्कर में, और ये खेलो इंडिया जो मिनिस्ट्री की स्कीम है हमारी यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, उसके तहत होने जा रहा है. और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे रिमोट एरिया में मुझे लगता है कि कंट्री में पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम होगा. इतने चैलेंजेस के बावजूद हम जो टूरिज्म है स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं, और इसके लिए मैं मिनिस्ट्री का और जो हमारे ऑनरेबल एमपी हैं जो लद्दाख के, उन्होंने इसमें काफी बड़ा इनिशिएटिव लिया है और एलजी साहब के डायरेक्शन के तहत हम ये काम कर रहे हैं. और ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, और इसमें 13 दिन का इवेंट है ये, और हर इवेंट के हर दिन कुछ न कुछ एक्टिविटीज होंगी इसमें जो टूरिस्ट के लिए काफी इंटरेस्टिंग होंगी, और लोगों को उसका काफी एक्साइटमेंट है कि कैसे प्रोग्राम होगा. तो उसी को लेकर काम चल रहा है, और इसमें दुनिया भर की एक्टिविटीज जैसे चादर ट्रैक का इसका एक पार्ट है. जैसे चादर ट्रैक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जंस्कार में पहुंचेंगे बदम में, उसके बाद में इसका एक रिसेप्शन प्रोग्राम भी हमने कल्चर प्रोग्राम रखा है. उसके बाद में माननीय किरण रिजिजू जी हैं जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, सीसी ले और करगिल हैं, या एमपी साहब हैं, या ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, या ईसीज हैं जो करगिल के, वो भी सभी लोग इसमें शामिल होंगे. इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोकल जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं, चाहे गोम्पा एसोसिएशन हो, चाहे जंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, वो सारे एसोसिएशन इसका पार्ट हैं और सभी मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, या ईसीज हैं जो करगिल के, वो भी इसमें शामिल होंगे. और यूथ का इसमें बड़ा रोल रहेगा, जो एडवेंचर लवर है उनका काफी इसमें सपोर्ट हमें मिल रहा है. तो मुझे लगता है कि ये एक ओवरऑल एक काफी बड़ा इवेंट है, और इसमें काफी डाइवर्सिटी है जिसमें टूरिस्ट काफी एंजॉय करेंगे और लोकल लोग भी उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे. तो ये खेल एक उत्सव है, तो इसमें पर्यटक बहुत सारे पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या इंतजाम किया हुआ है? पर्यटकों को लेकिन हमने बहुत सा इंतजाम किया है. पहली बात तो जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसी दिन हम जो टूरिस्ट एसोसिएशन है उनके साथ में मिलके हम फ्लैग ऑफ सेरेमनी कर रहे हैं, जिसमें कुछ पर्यटक भी हमारे साथ में जाएंगे जो ट्रैक करेंगे. कोई 30-40 हमने इसमें ट्रैकर साथ में रखे हैं, वो भी हमारे साथ में चलेंगे. उसके अलावा मेडिकल का है या कोई भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स है उसका भी अरेंजमेंट इसमें हमने किया है. उसके साथ में ट्रेंड गाइड और पोर्टर्स भी हमारे साथ में रहेंगे, जो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है उसको दूर कर सके. और जो लोकल जो अरेंजमेंट्स हैं उसके लिए हमने जो हमारे लोकल एसोसिएशन है उनको साथ में लिया है, और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए हमने होम स्टे के लिए जितने भी हमारे जो हैं जो इच्छुक हैं जो होम स्टे लोगों को देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आएं और अपने घरों को अच्छी तरह तैयार करें, जिससे कि टूरिस्ट आकर जो पूरा फेस्टिवल इसका आनंद उठा सके और लोगों के घरों में रहकर जो लोकल कल्चर उसके बारे में भी जान सके. और ये बताया जा रहा है कि नहीं, इस खास मकसद तो यही है बढ़ावा देने के लिए. तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहली बार शुरू कर रहा है, और अब लोग क्या उम्मीद, और लोगों में बहुत सारी उम्मीदें हैं इसकी वजह से इनका इनकम बढ़ेगा, बहुत सारे स्पोर्ट्स पे प्रमोशन होगा. बिल्कुल सही बात कही आपने. इसमें ये एक इवेंट मेनली लोगों का इवेंट है ये, और खासतौर से यूथ का इवेंट है, क्योंकि यूथ फेस्टिवल भी हमने इसका नाम दिया है. जितने भी हमारे यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है या जो यूथ जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो आइस हॉकी हो, चाहे स्नो स्कीइंग हो, या स्नो बोर्डिंग हो, या दूसरे इवेंट्स हो, तो सभी में यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. और खासतौर से यूथ टूरिज्म को भी प्रमोट करता है, चाहे वो होम स्टे हो या जो दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है टूरिस्ट को. तो यूथ का जो पब्लिक है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है, और टूरिस्ट के साथ में उनका कैसा
आपस में इंटरेक्शन होगा, किस तरह से वो फ्यूचर में इस चीज को आगे लेके जाएंगे, ये एक शुरुआत है और आगे इससे हमें जो भी इससे हमें एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लर्निंग मिलेंगे, उसको हम अगली इवेंट में उसको शामिल करेंगे। तो पहली बात तो इतना बड़ा लेवल पर इसको स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसके लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो लोकल जो यूथ एसोसिएशन है उनका काफी पॉजिटिव रोल रहेगा इसमें। इसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, ट्रैक के थ्रू जाना पड़ेगा या कोई और अदर ऑप्शंस है? इसमें दो चीजें हैं, एक पहली बात तो हमें लोकल जितने भी लोग उनको एंगेज करना है, तो हमने इस बार फोकस किया है कि जो लोकल जो यूथ है या जो लोकल जो एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर है वो इस चीज को समझे कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। अगर वो इस चीज को समझेंगे फिर वो टूरिस्ट को आगे इस चीज को लेके जा सकते हैं। और जहां तक टूरिस्ट का सवाल है, तो टूरिस्ट जो पहले चादर ट्रैक होता था वो निम्मू या संगम से स्टार्ट होकर और पदम तक खत्म होता था, तो अब उसमें एक एडेड अट्रैक्शन है ये, क्योंकि चादर ट्रैक एक जर्नी का स्टार्ट होता है और जब किसी भी टूरिस्ट को इतनी डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी जो कि विंटर में कहीं भी पॉसिबल नहीं होती है टूरिस्ट के लिए, तो वो एक टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें टूरिस्ट के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और हमारा ईमेल आईडी भी क्रिएट किया है, उसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक पेज भी हमने जंस्कार विंटर फेस्टिवल के लिए क्रिएट किए हैं। तो ये सारी चीजें टूरिस्ट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो जो नॉर्मल प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का उसके थ्रू पार्टिसिपेट करके और लोकल जो जंस्कार का फायदा उठा, एडवेंचर स्पोर्ट्स मोशन के लिए एक जरिया है, तो इसकी वजह से एडवेंचर स्पोर्ट्स में जंस्कार में फोकस हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जंस्कार एक पूरे लद्दाख रीजन में एक काफी रिमोट प्लेस है और उसका एक यूनिक कल्चर है, यूनिक आइडेंटिटी है, और उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं चाहे वो स्नो को लेकर हो या एडवेंचर दूसरी एक्टिविटीज को लेकर हो वो काफी ज्यादा है। हम जंस्कार को एक इस तरह प्रमोट करना चाहते हैं कि जंस्कार एक यूनिक डेस्टिनेशन है और आने वाले टाइम में आपको पता है कि मनाली से भी कनेक्ट हो चुका है जंस्कार और लेह से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है और करगिल से भी रोड खुला हुआ है। तो हम जंस्कार को काफी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि एक रिमोट एरिया है और वहाँ टूरिज्म को हम काफी प्रमोट कर सकते, जो पोटेंशियल उसके हिसाब से, तो हम इसको जरूर प्रमोट करेंगे और हमारी कोशिश है कि जो लोकल जितने भी यूथ हैं या जो लोकल जो एडवेंचर लवर हैं वो इसमें आगे आएं और टूरिस्ट के साथ में मिलके इसके पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाएं। लास्ट हमारे लिसनर को क्या बताएंगे सर ये जंस्कार विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल के बारे में? मैं यही कहूंगा कि जितने भी हमारे जो लद्दाख के लिसनर हैं के बारे में या और देश के जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, ये कहूंगा कि जंस्कार अपने आप में एक दुनिया का एक यूनिक डेस्टिनेशन है, लोग इसको एक्सपीरियंस करें। और लेकिन विंटर में ऐसी जगह में जाना और इतनी वन ऑफ द हार्डेस्ट और टफेस्ट लाइफ देखने को आपको मिल सकती है और यूनिक कल्चर को एक्सपीरियंस करें और एडवेंचर स्पोर्ट्स जो आप कहीं भी नहीं देख सकते वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग इस पूरे फेस्टिवल का आनंद उठाएं और जो लोकल लोग हैं वो भी अपना पूरा इसमें पार्टिसिपेट करें और जो टूरिस्ट हैं वो भी इसका पूरा फायदा उठाएं। सर थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम।